नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हां, आप सबने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बॉलीवुड के बिगीज ने बीइंग ह्यूमन होने का ड्रामा किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ट्वीट कर दिया तो सब बॉलीवुड के सो कॉल्ड दोगले लोगों को लगा कि उनको भी जल्द अपना शोक जताना चाहिए। वो बॉलीवुड के दोगले लोग जिनको अभी तक शायद नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज कि ही वुड कमिट सच अ ह्यूज स्टेप दैट वुड एक्चुअली एंड हिज लाइफ। मगर बॉलीवुड के लोग अब अपना पारिवारिक प्यार दिखा रहे हैं। वो बॉलीवुड के लोग जो ऑब्वियसली सीक्रेटली विश करते हैं कि दूसरे का करियर खत्म हो जाए, जब मुंह के ऊपर एक दूसरे को अपनी फिल्म्स के लिए बेस्ट विशेस विश करते हैं। सो दिस इज बॉलीवुड, वो बॉलीवुड जहां पे करण जौहर ने खुद बोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था फॉर वन ईयर, बट अब ट्वीट कर रहा है, एक पोस्ट कर रहा है हार्ट ब्रोकन के साथ, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो कितना अच्छा इंसान है। आलिया भट्ट जो हरदम अपनी बहन की डिप्रेशन के ऊपर बात करती है और टीआरपी खाती है, उसे नहीं पता था कि किसी को मॉक करना एक्चुअली उसे हर्ट कर सकता है। वो आलिया भट्ट एक्चुअली जब कंगना को पद्मश्री मिलता है तो उसे बुके भेजती है, जब कंगना की बहन ने उसकी सच्चाई एक्सपोज करी हुई है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ऐसे दोगले फेक लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, एंड मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग एक्चुअली अब सुशांत की मौत के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जहां पर आप अपने सुपरस्टार्स को भगवान का दर्जा देते हैं, मगर ये सुपरस्टार्स एक्चुअली सुपरस्टार्स नहीं है, भगवान बनने के लायक भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली दीमक की तरह भारत को खा रहे हैं, दीमक की तरह भारत की संस्कृति को खा रहे हैं, दीमक की तरह सनातन धर्म को खा रहे हैं। नमस्ते।